खुशांदीन एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे पेंटिंग की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा अफसर हुसैन। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर हुसैन हूँ। मैं कोलकाता के मेटियापुर इलाके में मेरी पैदाइश हुई। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। मैं बत्तीकल सीएमसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा 5 या 6 क्लास तक। फिर उसके बाद मैं धानखेती हाई स्कूल में मैंने माध्यमिक सेकंड डिवीजन से मैंने पास किया। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। जब मैं एमएफ हुसैन साहब का पेंटिंग देखता था, मुझे महसूस होता था कि मैं भी उनकी तरह एक बड़ा आर्टिस्ट बनूं। तो मैं बचपन से ही मैं पेंटिंग करने का मुझे बहुत शौक हुआ। मैं हर कंपटीशन में मैं गया, ज़्यादातर मैं फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न होता था, मुझे हौसला मिलता गया। पेंटिंग कर करके मैं एमएफ हुसैन साहब की ऐसा एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मुझे सपना है कि मैं उन्हीं की तरह मैं आर्टिस्ट बनूँ। तालीम हासिल कर करके एमएफ हुसैन की तरह एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता था, ताकि चाहता हूँ ताकि मेरे नाम रोशन हो और मेरे मैं पेंटिंग के जरिए कौम मिल्लत की नाम रोशन करना चाहता हूँ। आपको आर्ट्स और पेंटिंग का शौक कब और कैसे हुआ? मुझे बचपन से पेंटिंग का बहुत ही शौक था। अक्सर मैं खाते वक्त अपनी उंगलियों से एक शक्ल बनाने की कोशिश करता था, तो वो शक्ल बन जाया करती थी तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होता था। आपका पसंदीदा आर्टिस्ट? मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट एमएफ हुसैन साहब है। मैं वो मेरे आइडल है, मैं उनके गुरु मानता हूँ। आपका पसंदीदा पेंटिंग? मुझे बेस्ट पेंटिंग मोनालिसा की लगती है। वो पेंटिंग में एक अलग खूबी है, हर एंगल से देखा जाए ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे ही देख रही है। आपका यादगार लम्हा? पेंटिंग के मुकाबले में मेरी पेंटिंग को अव्वल नंबर से चुना गया तो ये बहुत खुशी की बात थी। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन, तो ये मेरी जिंदगी का यादगार लम्हा था। आपने पेंटिंग में कौन कौन सी कोर्स मुकम्मल की है? रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मैं 2018 में फर्स्ट डिवीजन से मैंने पास किया। फिर 2019 में मध्य से फर्स्ट डिवीजन फिर मैंने किया। फिर 2020 में मैंने फर्स्ट डिवीजन पुणे से भी मैंने टॉप किया। आप अपनी पेंटिंग के जरिए समाज में क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपनी पेंटिंग के जरिए आम को पैगाम देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप दरख्त और घरों पर पौधा लगाएं, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो बिल्कुल ना हो और दरख्त वो बिल्कुल नहीं ना काटे। इस पेंटिंग के जरिए आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। पाक सर्कस मैदान में मिलन उत्सव के मौके पर मैं पेंटिंग के मुकाबले में एमपी नदीमुल हक साहब के हाथों मुझे अव्वल इनाम से नवाजा गया। उसके बाद अखबार मशरक के जानिब से बेस्ट अखबार मशरक के जानिब से फोटोग्राफी का मुकाबला हुआ, जिसमें मैं टॉप 10 में शामिल हुआ, उसमें मुझे इनाम से नवाजा गया। अखबार मशरक फाइन आर्ट्स के जानिब से वसीमुल हक साहब के हाथों मुझे अव्वल इनाम से नवाजा गया और छोटे बड़े सभी प्रोग्रामों में जाया करता हूँ।
तो वहाँ पर से भी मुझे पेंटिंग में इनामों से नवाजा गया। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे मेरी अम्मी का हाथ था। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप बाबू पेंटिंग बनाओ, चाहे कुछ भी खर्च हो मैं उसे पूरा करूंगी। तो मुझे NA निजामी जो कसाई पाड़ा में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि बाबू तुम मेरे पास आओ, जितना हो सकेगा मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। तो उन्होंने बहुत मुझे मेरे पीछे मेहनत किया। फिर परवेज भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तब मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखते गया और आज इस मुकाम और इस मुकाम पर हूँ, तो उन्हीं के बदौलत हूँ। आइंदा क्या करने का इरादा रखते हैं? पेंटिंग का एक स्कूल खोलो ताकि उनके अंदर पेंटिंग का एक सीखने का एक जज्बा पैदा हो, ठीक है, और वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सके। आज का संडे स्टार में अफसर हुसैन साहब का इस्तकबाल है और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब शाहिद हुसैन शाहिद साहब, जनाब शाहिद हुसैन साहब। Thank you.